Good morning all of you. Today we solve a question which is based on diffusion current and diffusion current density. So what is question? For a particular semiconductor sample, consider following parameters. तो यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स देके रखे हैं. वो क्या है, होल कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है. पी नॉट इज इक्वल टू 10^15 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी पर सेंटीमीटर क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. यानी एक्स क्या है, जब जीरो से ज्यादा है पॉजिटिव डायरेक्शन में. होल का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, एन नॉट इज इक्वल टू 5 × 10^14 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन पर सेंटीमीटर क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो. यानी निगेटिव डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है. यानी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव साइड है वहां पे होल है, और जो एक्स निगेटिव है यानी निगेटिव साइड पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है. डीपी और डीएन दे रखा है, तो डीपी क्या होता है, हम जानते हैं पी फॉर होल, तो होल डिफ्यूजन कोफिशियंट दे के रखा है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोफिशियंट. तो ये दे के रखे हैं, होल डिफ्यूजन लेंथ दे रखी है, एलपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × 10^-4, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन लेंथ दे रखी है 10^-3 सेंटीमीटर, ठीक है. द टोटल करंट डेंसिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर पूछा है. उसने क्या पूछा है, टोटल करंट डेंसिटी. यानी टोटल करंट डेंसिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट डेंसिटी होगी प्लस होल के कारण जो करंट डेंसिटी है वो पूछा गया है, और किस पॉइंट पर पूछा गया है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल करंट डेंसिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो एक एक करके हमको इसकी क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं जेपी ऑफ एक्स. तो यहाँ पे जेपी ऑफ एक्स क्या होगा, तो जेपी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है, माइनस साइन के साथ होता है, माइनस क्यू डीपी डीपी बाय डीएक्स, ठीक है. तो यहाँ पे पी क्या है, पी नॉट से इंडिकेटेड है, तो डीपी डीपी नॉट अपॉन डीएक्स से हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है. तो दिस इज होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर्मूला. तो यहां पर क्या वैल्यू पुट ऑन करिए, तो पहले तो अभी इसको माइनस क्यू डीपी ही रहने दीजिए, और पी नॉट, पी नॉट क्योंकि हमको एक्सप्रेशन फॉर्म में दे रखा है, और किस एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया है, एक्स के एक्सप्रेशन फॉर्म में. इट मींस व्हाट, कि हमारा पी नॉट जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है. तो यहां पर हमको जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी होल कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहां पर हमको क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पी नॉट का डिफरेंशियल. तो पी नॉट कितना है, 10^15 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगी इसकी वैल्यू, मैं यहां पर लिख दे रही हूं, 10^15 माइनस क्यू डी पी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, डी बाय बाय डी एक्स, अभी मैं यही लिख दे रही हूं, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, ठीक है. तो यहां पर जेपी ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू जीरो पर हम निकालते हैं, ठीक है. तो क्या आएगा, इसको वैल्यू पुट ऑन करिए, डिफ्रेंशिएट करिए और वैल्यू पुट ऑन करिए, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दे रही हूं, माइनस 10^15 q dp, और देखिए ये माइनस है, तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन एल पी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, एंड देन वैल्यू पुट ऑन हो जाएगी, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस और कितना हो जाएगा, एल पी, ठीक है. तो ये इसकी वैल्यू हो गई. अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जे एन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. तो यहां पर हम जे एन ऑफ एक्स निकालते हैं, तो जे एन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन करंट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालते हैं तब माइनस साइन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा. जबकि होल में क्या होता है, माइनस साइन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन नहीं होता है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू डी एन डी एन नॉट अपॉन डी एक्स, और कहां पर निकाला है हमको, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है. तो इसकी वैल्यू पुट ऑन करिए यहां पर, तो क्यू
dn को एज इट इज रखिए और हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन दे रखा है, तो यहां पर d बाय बाय dx और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन क्या है, 5 × 10⁴ e की पावर माइनस x अपॉन ln। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो जैसे हमने होल कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंशिएट किया था वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, यहां पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला ये है कि जो हमारा जेपी ऑफ एक्स था यानी करंट डेंसिटी थी होल की, वो किसका कहां पर किस एरिया में थी, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जब एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जब हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर एक्स क्या है, निगेटिव डायरेक्शन पर, निगेटिव साइड है, तो यहां पर एक्स कब है, किसके लिए है ये, एक्स व्हेन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जबकि यहां पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ये जो एक्स है उसको हमको क्या करना है, एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, तो यहां पर जो है वो कैसे रिप्लेस हो जाएगा, क्यू डी एन डी बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा 5 × 10⁴ ई की पावर माइनस एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन एलपी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। जब ये क्वेश्चन में दे रखा है, जब क्वेश्चन में कितना दे रखा है, व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स, लेकिन हमको क्या, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेना है, तो हम इसे एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो अगर हम लेंगे तो एक्स माइनस एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स। ठीक है, यानी ये जो एक्स है इस x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस x। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस प्लस में ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जे एन ऑफ x एट x इज इक्वल टू जीरो पर क्या आएगी इसकी वैल्यू, 5 × 10⁴ क्यू डी एन अपॉन एल एन। ठीक है, और ये कहां पर है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो जेपी ऑफ एक्स भी हमने निकाल लिया है, दिस इज ये क्या है हमारा, जेपी ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन आया है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर हमको किसका एक्सप्रेशन आ गया है, जे एन ऑफ एक्स का, इन दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या करिए, सिंपली ऐड करिए। तो मैं यहां पे इसको रब करके क्लियरली सिंप्लीफाई कर दे रही हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं सबसे पहले जेपी ऑफ एक्स लिखते हैं, तो जेपी ऑफ एक्स का क्या एक्सप्रेशन आया था, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, 10⁵ × q × dp/lp प्लस जे एन ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या आया था, 5 × 10⁴ q dn/ln। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, 10⁵ q की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ dp की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 cm² per second, तो × 10 डिवाइड बाय lp की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁴ प्लस 5 × 10⁴ q की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ dn की वैल्यू दे के रखिए 25 डिवाइड बाय ln की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻³ तो 10⁻³। इसको सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रही हूं, आप सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 5.2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जिसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने किस क्या वैल्यू निकाली है, टोटल करंट डेंसिटी, और टोटल करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे प्लस की जगह लोग माइनस साइन कर देते हैं, और वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको ये कंडीशन जो है वो समझ में नहीं आती है। यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन जीरो है, यानी x पॉजिटिव है, और यहाँ पर x इज लेस देन जीरो है। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर क्या है, होल कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो जब x इस तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये जो x है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये इस वाला, ये वाला x जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो मुझे एक ही डायरेक्शन में दोनों को लाना पड़ेगा, तभी हम इसको क्या करेंगे, एड करेंगे। तो इस डायरेक्शन, अगर ये x इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, वो माइनस x। ठीक है, तो ये यहाँ पे n के लिए हम क्या लेंगे, x इज रिप्लेस, ये सिंपल, ये x इज रिप्लेस बाय माइनस x, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो x ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को गलत ना करें और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि क्यों मैंने यहाँ पे माइनस x की जगह पे, ये माइनस x है तो यहाँ पे इस x की जगह पे माइनस x लिया है। तो आई होप आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरे लेक्चर और वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।